जब भी हम सेक्स पोजीशंस के बारे में पता लगाते हैं या सोचते हैं तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स पोजीशंस के बारे में पता लगाना चाहते हैं दोस्तों, और उसे अपनी लाइफ में प्रयोग करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्स के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, है कि नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताता हूँ, एक वेस्टर्न मूवी के बारे में, जिसमें सारी सेक्स पोजीशंस खुले रूप में दिखाई गई है। तो अगर आपको थ्योरी क्लास लेना है, प्रैक्टिकल भी सीखना है, तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। 1987 में बनी हुई मूवी का नाम है सिरोको। नाम तो शायद आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए। इसका दूसरा नाम भी है सहारा हीट। ये एक फ्रेंच एक्ट्रेस है, इसमें फ्रेंच मूवी है, इंग्लिश में डब्ड है, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज अवेलेबल है। जब मैं कॉलेज में था उस समय मुझे याद है कि दो ही मूवीज़ ने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया था। एक तो ये मूवी सिरोको, जब हम देखने गए थे तब टॉकीज हुआ करते थे, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स नहीं थे, आप मानेंगे नहीं कि हाउसफुल था, टिकट नहीं मिल रहा था। और एक और मूवी जो जिसका नाम सुनते से मन मचलने लगता था उस वक्त, वो था केडी, कुवारी दुल्हन। इस मूवी को हमने न जाने कितनी बार देखा है। उस समय सब ये XXX वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे वीडियोज़। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बताऊँ कि ये जो मूवी है सिरोको, इसमें खुले रूप में दिखाया गया है। अगर आपको इस मूवी के बारे में ज़्यादा जानना है कि इसमें क्या दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। इस मूवी में कहानी एक महिला की है जो अपने हस्बैंड के साथ ट्यूनेशिया आती है, मतलब अफ्रीका आती है। वो एक फ़ोटोग्राफ़र है, मतलब एमेच्योर फोटोग्राफ़र है, ऐसे अपने लिए फ़ोटो खींचती है वो, और वो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं है। पहले तो 3 से 4 बार मिशनरी सेक्स इसमें दिखाया गया। वो लेडी लेट जाती है, हस्बैंड उसके ऊपर है, कपड़े भी पूरे उतार देते हैं और सेक्स करते हैं। 1987 के हिसाब से ये बहुत ही बोल्ड सीन्स थे, आज भी बोल्ड माने जाएंगे, तो उस समय तो बहुत ही बोल्ड थे। तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरी मूवी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में जब उसके टाइटल्स आते होते हैं तो कार में वो ट्रैवल करती है, और उसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी है बिल्कुल, एक्ट्रेस ने, और हीरो जो इसका हस्बैंड है वो बार बार कांच को ऐसे करता है, उस कांच में अपनी वाइफ की टांगों को देखता है। बहुत ही सेक्सी सीन था, वो अच्छे से शूट किया गया है। इसके बाद वो फोटोग्राफी करने पहाड़ों में जाती है और एक घुड़सवार को हायर करती है। वो आगे बैठती है, घुड़सवार पीछे बैठता है, और वो लोग जाते हैं पहाड़ों में। न जाने एकदम से क्या होता है उसको, चलते चलते घोड़े के एक्शन के साथ में कि अपनी जीन्स उतार देती है, और वो लड़का भी पीछे से प्रवेश कर देता है। मतलब डॉगी स्टाइल, क्लियरली डॉगी स्टाइल इस मूवी में दिखाया गया था उस समय, 1987 में बनी मूवी। इसके बाद फ्रेंड्स, वो एक आदमी के चक्कर में पड़ जाती है जो एक बस्ती में रहता है। वो दिखाए भी ऐसे है कि वो जाती है वहाँ पर, एक टेबल पर बैठती है, रेस्टोरेंट है बाहर, अंदर एक रूम भी है। वो आदमी आता है, चाबी फेंक के जाता है उस रूम की, वो खुद ही चाबी उठा लेती है, मजबूर हो जाती है उसके सेक्स अट्रैक्शन में, और वो चाबी लेके उस रूम के अंदर चले जाती है। और रूम भी ऐसा कि उसमें चिराटे होती है, और जो पर्दे लगे रहते हैं उसमें से भी बाहर से लोग देखते हैं। और वो आदमी जो है पहले साबुन से उसका हाथ धुलाता है अपने हाथों से, बड़ा ही सेक्सी सीन था। उसके बाद उसको चेयर पे बिठाता है, और फिर वो अपनी योनी को जो है उस चेयर से रगड़ती है, क्लियरली दिखाया गया, और फिर वो लिंग को प्रवेश करता है उसके हाथों को बांधने के बाद। तो ये जो सीन है ये बिल्कुल ऑन द काउंटर टॉप जो सेक्स होता है वो दिखाया गया है इसमें। साथ में जब वो करता रहता है, एक छोटा लड़का भी अंदर आ जाता है, उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं सेक्स में, मतलब मल्टीपल सेक्स भी दिखाया गया। और सबसे इरोटिक सीन इसमें वो था कि एक अफ्रीकन लड़का है, मजदूर है, वो काम कर रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, वो उसकी फ़ोटो खींचती है, फ़ोटो खींचते खींचते उसके पास चली जाती, और पास और पास और पास, और जाकर वो जो मजदूर है रेड कलर का अंडरवेयर पहना हुआ है सिर्फ, वो काम कर रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, और फिर वो मुख मैथुन करती है, मतलब ब्लो जॉब देती है। सुपर सीन दिखाया गया है, और मल्टीपल सेक्स पहली बार किसी मूवी में दिखाया गया था उस वक्त, आज भी किसी मूवी में आपको नहीं दिखेगा। मल्लिका शेरावत की मर्डर आप देखते हैं, आपको लगता है कि वाह क्या मिशनरी पोजीशन दिखाई गई है इसमें, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने।
और ये मूवी देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि रियल सेक्स कैसे होता है। और ये ट्रिपल एक्स आप देखते हैं, इसमें सब खुला खेल है, इसमें मज़ा नहीं है। धीरे धीरे जो कपड़े उतारती है ना एक्ट्रेस, उसमें जो मज़ा है वो ट्रिपल एक्स में है ही नहीं। तो आप ज़रूर ज़रूर ये मूवी देखिएगा। लास्ट में क्राइम सीन बन जाता है, वो मर्डर भी करती है बहुत सारे, जो जो लोग उसके लाइफ में आए वो मर्डर कर देती है, क्योंकि कोई पुलिस केस में फंस जाती है, ब्लैकमेलिंग करता है वो आदमी, तो जो उसका एक संबंध, जिसके साथ जिस आदमी के साथ संबंध हो जाता है वो रेस्टोरेंट वाला। तो ये मूवी ज़रूर आप देखिएगा, इसका नाम है सिरोको सहारा ही, 1987 की। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।